नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न 9 हम करने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए, मान लेते हैं कि यह है धरती यानी भूमि, और इस पर एक दीवार इस प्रकार से बनी है, और इस दीवार पर 8 मीटर की ऊंचाई पर यहां एक खिड़की है। ठीक है बच्चों, तो एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी। अब सीढ़ी जो है दीवार पर कैसे, अगर आपने दीवार पर चढ़ना है तो आप जमीन से इस खिड़की से थोड़ा दूरी पर सीढ़ी ऐसे तिरछी खड़ी करोगे ना, तभी उस पर ऐसे ऊपर चढ़ पाओगे। तो मान लेते हैं कि यह इस प्रकार से, ये जो मैं बना रहा हूं ये एक सीढ़ी है जो कि इस खिड़की से इस दीवार से थोड़ी दूर जमीन पर रखकर टेढ़ी तिरछी खिड़की के साथ लगाई गई है ताकि इस पर इस प्रकार से ऊपर चढ़ा जा सके। इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। दीवार के आधार से, ये दीवार है, इसके आधार यानी इस बिंदु से सीढ़ी के निचले सिरे इसकी दूरी ज्ञात करो, यानी हमें ज्ञात करना है दीवार के आधार से सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूर है, हमने कितनी दूर सीढ़ी को इस प्रकार से लगाया ताकि वह खिड़की तक पहुंच सके। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ चीजें बच्चों जो आपको ध्यान से समझनी है वो ये, दीवार जो है धरती के साथ हमेशा सीधी बनाई जाती है बच्चों, टेढ़ी नहीं बनाई जाती। इसका मतलब यह जो कोण होगा यह 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। यह खिड़की की ऊंचाई थी 8 मीटर, सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर, हमें यह दूरी निकालनी है। ठीक है, हम इस त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी सी, और बच्चों इसमें हमें बेस निकालना है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और यह बेस हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस देखकर आपको एक चीज तो पता चली गई होगी, क्या कि इसमें क्या लगेगा बच्चों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो आइए हम देखते हैं। मान लो, हम सबसे पहले समझा देते हैं कि मान लो ए बी खिड़की की ऊंचाई है, और ए सी सीढ़ी की लंबाई है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार और इसमें हम साथ की साथ ही इन ट्राइंगल एबीसी में हम बता भी देते हैं कि कोण बी जो है वह 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि यह क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने खुद ही समझा है। कैसे समझा है? कि दीवार जो है फर्श पर भूमि पर बिल्कुल सीधी बनाई जाती है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज है एसी यानी एसी का होल स्क्वायर बराबर होगा बेस, बेस है बीसी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ए बी का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज हम डाल देते हैं। देखिए, हाइपोटेन्यूज हमें पता है 10 मीटर है, तो ये हो गया 10 मीटर का होल स्क्वायर बराबर बीसी, बीसी बेस हमें ये दूरी नहीं पता, इसको हम बीसी स्क्वायर ही रहने देंगे, प्लस ए बी स्क्वायर ये हमें पता है 8 मीटर, इसे हम लिख देंगे 8 मीटर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमें सिर्फ इसे हल करना है और अपना उत्तर निकालना है। देखिए, 10 का स्क्वायर होता है 100, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बराबर, बीसी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बीसी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, मीटर का स्क्वायर होता है 64 मीटर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, बीसी इधर रहने देते हैं बीसी स्क्वायर, इधर 100 मीटर स्क्वायर है, 64 मीटर स्क्वायर इधर बीसी के साथ प्लस हो रहा है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 64 मीटर स्क्वायर। देखिए, 100 मीटर स्क्वायर में से 64 मीटर स्क्वायर माइनस कर दो, बाकी रह गया 36 मीटर स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, दोनों का रूट कर दो तो बीसी किसके बराबर आ जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर के रूट के बराबर,
36 का रूट होता है 6, मीटर स्क्वायर का रूट हो जाएगा मीटर बराबर बीसी। देखिए यहां पर प्लस माइनस आता है क्योंकि प्लस 6 का भी स्क्वायर 36 होगा और माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 होगा, परंतु किसी भी दूरी की लंबाई जो है वह माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए बीसी किसके बराबर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यही दूरी हमें निकालनी थी। तो यदि आप चाहें तो यहां जैसे आपसे प्रश्न में पूछा गया दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप लिख सकते हैं दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बराबर आई है 6 मीटर के, यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। तो यह बहुत आसान था, हमने सिर्फ इसमें केवल इसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगाई है। ये बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसे रोजमर्रा की लाइफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जिनमें आप इस प्रकार से पाइथागोरस लगाकर अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो के इस चित्र के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।